हेलो मोर वाइटी फैमिली आपण समस्त जोहारी नमस्कार मु आपणकर प्रिय रानीशीस आपण माने समस्त केमती अछंती मु आशा करे आपण माने समस्त बहुत भले रहथिबे मु मो प्रभु को ठारे प्रार्थना करे एवं विश्वास मध्य करे आपण माने समस्त बहुत भले रहथिबे आ मु मध्य आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद द्वारा बहुत भले रहछि। आज मु किछि लाइफ स्टोरी विषय रे आपण मानको शेयर करूछि। से स्टोरी टा सुनिहात माने बहुत सत्य घटना से उपरे मु आपण मानको शेयर करूछि। आ जेबे आपण माने किछि यूट्यूब फैमिली मानकर वीडियो देखंती से माने जहां शेयर करंती सेही वीडियो को आपण देखिकी सेही विषय रे सेही माध्यम रे आपण जानि थांती आ कहारो लाइफ विषय रे केमती अछि आ से केमती कोण ता विषय रे जेबे से जो पर्यंत से शेयर करिनी से पर्यंत आमे अन्य रो लाइफ विषय रे केबे संपूर्ण तथ्य जानि नथा। आईपरी मु आज आउ कहारो किसी छोट विषय मुयार करुच्छी किंतु सेटा बहुत बड़ स्टोरी बड़े लाइफ स्टोरी से विषय मुयार करुच्छी। आगे मनुष्य चाह न थाए निजर क्षति हो पछरे पड़ू कहीकि सबूत मनुष्य गोटे एमती स्वास्थ्यपर मनुष से सब बेले चाह थाए जी दुनिया में मनुष्य मैंने से मैंने ता पछरे रही जातु आ टपर हो आग को बढ़ू कहीकि सबु दुनिया खुशी मत मिलू आ दुनिया सबु मान प्रथम जगार मुही उपस्थित हो कहीकि मनुष्य चाह थाए आईपाई से प्रथम जगह को जीवापी किए तो भल कम कर संघर्ष करीवन को संघर्ष करच चढ़ी चढ़ी से लक्ष्य स्थल को पहुँची थाए आमती केते जन अच्छा जो मैने कि मंद कार्य करी हिंसा कपट मध्यम से मैने पाँच चढ़ी चढ़ी से मैंने आग धाड़ी को जाकर परिचय देखी था कि जो मैंने संघर्ष करग को जाए मान सम्मान सहित से मैंने निजक गर्व करमान सहकारे कहीपर मु स्टेप बाय स्टेप मो जीवन र कार्यकलाप को मुमती करी आग को बढ़ी आसी जो मैंने कपट मध्यम कुकर्म मध्यम आग को बढ़ी थे से मैंने केपर जे मु स्टेप बाय स्टेप आग को बढ़िकी आसिकी ए पोजिशन में पहुँची कहीं जो मैंने मिथ्या कम करती से मैंने केग को जापारती ना आज मुझे आपण मानक स्टोरी सेयार करूँ जहाँ गोटे आम वाइटी फैमिली भितर गोटे सिस्टर जीवन कहानी उपरे सेयार करूँ आ जीवन में एमती किसी दुर्घटना घटला जहाद्वर कि लोक मैंने निर्यातना कहते आ गोटे अलक्षणी आई माने समाज सम्मुख में किसी से योग्यता नुह कहीकि कहते कि गोटे मनीष चाह न थाए तार किसी क्षति हो आउ समाज लोक किसी अपमान करतु अपमान परी कथा कहतु से विषय के चाह न था तो एमती गोटे झील जब निज पर छाड़ बापा माँ को छाड़ से बाहर मेरेज करें गोटे अजणा पुरुष हाथ धरी थाए ता जीवन में बहुत किसी स्वप्न थाए से बहुत किसी भावी थाए जे दुनिया में मु गोटे नुआ परिचय पाइबी आ नुआ समाज गोटे मु बनेबी मो तरफ आ मो हजबैंड तरफ सेमती गोटे दिल्ली रे वाइटी फैमिली भितर गोटे आम सांग जमी गोटे कंपानी काम करवा लोक गोटे फैमिली हमें स्कूल रे रहा टीचर स्टाफ गोटे फैमिली हमें वर्किंग लोक जमी गोटे फैमिली बनते सेमती वाइटी रे आमे मध्य गोटे फैमिली बनु जो मैंने वाइटी रे काम करती से मैंने जानते से मैंने भी गोटे परस्पर भितर फ्रेंडसीप रुहे आउ जो मैंने बड़ बड़ यूट्यूबर मैंने से मैं तो छोटे यूट्यूबर मान को पचारती ना तथापि से मित्र गोटे अच्छी छोट यूट्यूबर मान को भल पाइबा देवा कि नुआ विषय शिखेवा सेमती अच्छे तो से मध्यम मुझे गोटे दिल्ली सपना कह यूट्यूबर तक सहित मु भी गोटे फ्रेंडसीप मुझे गोटे फ्रेन अटे आ झी प्रथम मेरेज करा सोनू कहीकि गोटे भाई को मेरेज परिवार भी बढ़ी था छुआ पिला भी होता हटात से भाई दुनिया छाड़ी चली गले सेमती ही छुआ धरिकी शाशु ससुर नणंद दिवर
ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଲା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସହିତ ଯାହାକି ରାଜୀବ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ରାଜୀବ ଭାଇ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛଅ ସାତ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦିଅର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ଶିଶୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଠାତ୍ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରାଜୀବ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଷ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନା ଶିଶୁକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଟାଇପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ସେମିତି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ହୋଇକି ବାହାରିଥାଏ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଲା ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ବି ତା'ର ମରିଗଲା ଏମିତି ସେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ 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 ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଇଏ ଯେବେ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ସେ କେବେ ବି ତା'ର କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ହେଉ କହିକି ବି ମନରେ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନା ତ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତା'ର ପିଲାଛୁଆ ବି ଥିଲା ଆଉ ତା ଦିଅରକୁ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେ ତା ଦିଅରକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା ତ ସେ କିଛି ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲା ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମ ତା ଭାଇର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ପିଲା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ କେବେ ଚାହିଁନଥିବ ଯେ ମୋ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଯାଉ କହିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ଏମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଦୟା କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧୁର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା କାହାର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ତେଣୁକରି ଜଣକୁ କହିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ମଧୁରତା ହେଉଛି ନା କାହା ପାଇଁ ସେ ଖଡ଼ଗରେ ମାରିବା ପରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନା ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଉ କି ପୁଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରେମର ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କ୍ଷତି ହେଉ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଦୟା କରିକି ସ୍ୱପ୍ନା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୋଷ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗ କାଳ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯାଉଥିଲା କି ତାକୁ ସେମିତି ମରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳିଲାଣି ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିକି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ତା ଦିଅର ସହିତ ବାହା କରାଇଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛି ସେ ତ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ନା ବିନା ମା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ବି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ବି କୁହେ ମୁଁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଥିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିପରି ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱପ୍ନା ସି ଆପ୍ ହିମ୍ମତ ରଖିଏ ଆପକା ସାଥ ହମ୍ ସବ୍ ହେ ଅର୍ ଆପକା ଲାଇଫ୍ ମେ ଜୋ ବି ହୁଆ ହେ ଉସି ଲାଇଫ୍ ଉସି ଚିଜକୁ ତ ହମ୍ ବଦଲ ନେଇ ପାଏଗେ ଓ ହମ୍ ବାସ୍ ଗୋଡ଼୍ କେ ସାଥ ପ୍ରେୟାର କରେଙ୍ଗେ ଅର୍ ଆପ କହତେ ନା ଗୋଡ଼୍ ନେଇ ହେ ଇସି ଦୁନିଆ ମେ ଇସଲିଏ ମେରି ସାଥ ସବ୍ ୟେ ହୋ ଗୟା ଓ ଗୋଡ଼୍ କୋ ମାଲୁମ ଥା ମେରି ଛୋଟି ଛୋଟି ବଚ୍ଚେ ହେ ଫିର୍ ବି ମେରି ପତି କୋ କେସେ ଏସେ କର ଦିଆ ମେ ମାନତି ହୁଁ ଆପକା ଦିଲ୍ ମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେ ଲେକିନ୍ ଗୋଡ଼୍ ହେ ଗୋଡ଼୍ ନେଇ ହେ
में होने को था, आप भी होने को था और आप दोनों मिलने को था। गॉड है लेकिन इंसान नाते हम तो जो दुखी होते, हमको कुछ प्रॉब्लम होता, हम बस गॉड को कहते हैं आप नहीं है दुनिया में, इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रही है, तो मेरे साथ क्यों ऐसा क्या, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन वो सब गॉड का प्लानिंग है। और मैं और क्या बताऊँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ इंसान नाते, मैं भी बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैं बस दुआ करती हूँ आप हिम्मत रखिए, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। पहला सोनू भाई आप ज़िंदगी में आया, बच्चा है, फिर वो चला गया। वो सेकेंड में राजीव भैया भी आया, वो भी कुछ करके चला गया, फिर उसके साथ भी बच्चा। तो मैं बस ये कहती हूँ आप हिम्मत रखो, बच्चा लोग के लिए आपको जीना है, बच्चा लोग के लिए आप हंसना भी है, खेलना भी है, कुछ करना है। जो मम्मी पापा है आपका, सासू है, वो लोग के लिए भी आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। वो दुनिया वाला जो भी कहते हैं वो बात को आप नहीं सुनेगा। बहुत लोग तो अच्छा नहीं कहते हैं, बहुत लोग बुरा भी नहीं कहते हैं, लेकिन हमको क्या करना है क्या नहीं है वो डिसीजन हमको ही लेना है। लोग तो बहुत कहते हैं लेकिन उसमें से हमको कुछ फर्क नहीं है। ऐसे ऐसे दुनिया में भी होता ना, जिसका वोट ज़्यादा मिलता है वो विनर रहता है। इसलिए आपको जो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको जो लोग समझाते हैं, वो लोग का कमेंट आपको पढ़ना है और खुद को रिलैक्स करना है, खुद को शांति करना है, तब ही आप आगे बढ़ पाओगे। और मैं तो दुआ करती हूँ बस आप हिम्मत में आई है, जो भी हुआ लाइफ में वो तो वापस नहीं आएगा, वो भी मुझे मालूम है। इंसान नाते मुझे भी मालूम है एक औरत के लिए एक हस्बैंड का कीमती क्या है, और दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता क्या है वो मुझे मालूम है। फिर भी करना क्या है, जो भी हुआ आप उस चीज़ को भूल जाइए, फिर आगे जाइए। भूलना तो इतना आसान नहीं, फिर भी मैं तो और क्या बताऊँ, लेकिन आपको हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है, आपका बच्चा लोग के लिए और आपका फैमिली के लिए। और मुझे बोलने से भी कुछ गलती है तो सपना से मुझे माफ़ करिए। और एक दोस्त नहीं तो एक छोटी बहन जैसे, नहीं तो बड़ी बहन जैसे, जो भी समझ के मुझे माफ़ करना। हम भी बहुत दुखी है, आपका वीडियो देख देख के मैं भी बहुत दुखी थी। लेकिन आप जब तक सिंदूर मांग में था ना, तब मैं कुछ गलत सोच रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला क्योंकि आप गांव में थे, गांव में तो इसलिए आप पहले कुछ नहीं बताया था। लेकिन माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा कुछ गलत बोली होगी तो माफ़ कर दो। जय कन्हैयालाल, जय उड़ीसा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और आप लोग का प्यार सपोर्ट की मुझे जरूरत है।